अगर कपड़े धोने से भी ना माने पियर, फिर उसको गुदगुदी करता हूँ। अगर वो फिर भी ना माने तो उस पर गुस्सा नहीं आपने करना, वरना आपका ये हाल हो जाएगा। उम्र छुपाई हुई है। शादीशुदा? हाँ जी। औरतें प्यार की भूखी होती हैं, उनको गिफ्ट ला दें, पैसे दें, हैप्पी हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुहेल है। सुहेल भाई मुझे बताएं कि आप शादीशुदा हैं? जी जी शादीशुदा हूँ। अच्छा, अगर बीवी नाराज़ हो जाए तो आप कैसे मनाते हैं? जी अगर बीवी नाराज़ हो जाए तो मेरा आप सबको ये पैगाम है कि उसको प्यार से मनाएं। ठीक है। और अगर वो प्यार से नहीं मानती तो हल्की हल्की उसकी टांगें दबाएं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर वो फिर भी ना माने तो उस पर गुस्सा नहीं आपने करना, वरना आपका ये हाल हो जाएगा। ये क्या हुआ? जी ये बस ये बीवी के काम है और मुझे खुद समझ नहीं आई कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं, ये आपकी बेगम ने आपको मारा? बस आप कुछ इसी तरह कहीं समझ लें, लेकिन मैं आपको वजाहत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं, आपको ये मारा क्या? ये बस ये मैं नहीं बता सकता ना आपको। फिर भी पता चले, मुझे खुद समझ नहीं आई कि उसने क्या मार दिया। यानी ये अचानकी हमला हुआ? जी अचानक, पता ही नहीं चला, मुझे खुद नहीं पता चला। ना डंडा ना कोई सोटी? जी बिल्कुल, वो मुझे कुछ नजर ही नहीं आया जब मारा है, मुझे कुछ समझ नहीं आई, बस हंसी खेटे खेटे में जो है। जी बिल्कुल, मजाक में बस ये हाल हो गया मेरा। ओहो, तो क्या टांके शांके लगे? जी मैंने टांके लगवाए हैं इसके। कितने टांके लग गए? जी 3 टांके लगे हैं इस पे। ये आपकी ये ना मनाने की वजह से हुआ है? जी बिल्कुल, वो बस मैंने वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाया तो उसमें ये मेरा हाल हो गया। यानी कि आपका आपने गुस्सा दिखा दिया बेगम? जी बिल्कुल। और बेगम ने आपको वो मजाक में ये हाल कर दिया, पता ही नहीं चला क्या मारा? जी बिल्कुल, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अच्छा सुहेल भाई, आप अपनी बेगम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं उसको ये मैसेज दूंगा कि वो इतना गुस्सा ना किया करे, वरना अभी ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है, कल को वो ज़्यादा भी मेरा नुकसान कर सकती है। यानी आपसे ज़्यादा गुस्सा ना किया? जी बिल्कुल, मुझसे कम ही गुस्सा किया करे। आपकी जान को खतरा भी हो? जी मेरी जान को बहुत खतरा था उस वक्त। क्या खतरा है? खतरा था भी और है भी इस वक्त। तो उसका कोई हल? इसका कोई हल नहीं है जी, सारी ज़िंदगी ये खतरा आपके साथ ही रहेगा। सारी ज़िंदगी ये खतरा है। 15 को फ़ोन करें? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, वो कंट्रोल हो गया फ़िलहाल। 112 पे कॉल करने की ज़रूरत थी और वो हमने कर ली थी। चले ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो बीवियाँ अपने मेके जाती हैं तो उनके मर्द राज या शोहरत राज जो होते हैं वो खुश होते हैं? वो इसलिए खुश होते हैं कि वो 4 दिन जो है ना उसके वो खुशहाली के आ जाते हैं। यार आपको देख के लग रहा है कि जाना चाहिए। मैं यकीन करें बहुत तंग हूँ मैं। ठीक है जी जी, चले बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। भाई आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर आपकी बीवी नाराज़ हो जाए तो आप कैसे मनाते हैं? अच्छा मान जाती है? नहीं फिर भी ना माने तो बर्तन धो देता हूँ। अच्छा बर्तन ना धुले तो फिर? फिर कपड़े भी धो देते हैं। अच्छा सही है। अगर कपड़े धोने से भी ना माने पियर? फिर उसको गुदगुदी करता हूँ। अच्छा गुदगुदी करने से भी ना माने तो फिर? फिर दुआ करता हूँ अल्लाह से। क्या? कि जान छुड़ा दे। चले अच्छा, अगर अल्लाह ताला दुआ कबूल ना करे तो फिर? तो फिर भी चांस मार लेंगे दूसरा भी। अच्छा यानी कि दूसरे चांस पे बैठे हुए? नहीं वैसे जो माशाल्लाह अच्छी वाइफ है और कंप्रोमाइज है, कभी हमारा लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, लेकिन हो भी जाए तो वो मान जाती हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि ये जोक था? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, दिल की बात निकल आई जुबान पे। हाँ ये समझ लें। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब बीवियाँ मेके जाती हैं जी जी, तो मर्द राज खुश क्यों होते हैं? ताकि सबका कॉलेज या स्कूल वाली से किसी से मुलाकात हो जाए तो हो जाती है। हाँ हो भी जाती है कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शब्बीर हुसैन। शब्बीर क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 22 साल। अच्छा शादीशुदा? जी। पक्की बात? पक्की बात। शनाख्ती कार्ड बना हुआ? जी बिल्कुल। लगते तो नहीं हो यार, शनाख्ती कार्ड दे रोटी लगती है। अच्छा शनाख्ती कार्ड पे, तो तुमने शनाख्ती कार्ड पहले बनवा ली, उम्र छुपाई हुई है? हाँ। शादीशुदा? हाँ जी। असल उम्र क्या? असल उम्र 15। 15 साल और शादी करवा ली? हाँ। कितने बच्चे? बच्चे अभी सोचा ही नहीं है। सोचा नहीं है तो अगर पकड़े गए? बस अल्लाह वारिस है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी बीवी नाराज़ हो जाए तो तुम मनाओगे कैसे? जाहिर सी बात है, कोई पाँव वगैरह दबा लूँगा, मिनते कर लूँगा, तले डालूँगा, यही हो सकता है। सभी ये करते हैं? हाँ सभी ये करते हैं। सारे शोर रात? जी बिल्कुल। कोई और चीज़ बताओ। और क्या बताएं? ना माने तो?
ना माने तो फिर यही है कि पैर ही पड़ के सारी रात गुजार दो, फिर खुद ब खुद ही मान जाते पैर दबाते रहो सारी रात। सारी रात ना माने, ना माने तो फिर यही है सुबह उठ के उनके लिए कोई अच्छी अच्छी चीजें लेके आओ, खाना शाना यानी कि लेके आओ। हाँ खाना शाना। ना माने फिर भी, ना माने हाँ। फिर भी ना माने तो जाहिर सी बात है मायके ही जाना उसने। मायके जाना है। हाँ फिर खुशियाँ, फिर लगता है तो खुशियाँ है, आज़ाद हो जाता है बंदा, आज़ाद हो जाता है बिल्कुल, भावे तलाक हो जाए। वो बहुत आसान सा तरीका है। हाँ जी। उनको एक अच्छा सा सूट ला दें, थोड़े से उनको पैसे दिखाएं, उनका मूड ठीक तो सूट से और पैसों से यानी कि मान जाएंगे आराम से। हाँ, मान जाती हैं। और कोई मिंदा तरला दे? नहीं नहीं, औरतें प्यार की भूखी होती हैं, उनको गिफ्ट ला दें, पैसे दें, हैप्पी हैं वो। चले अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बीवियाँ मेके जाती हैं रहने के लिए तो शोहर हजरात क्यों इतना खुश होते हैं? वो इसलिए खुश होते हैं कि उनका खर्चा बचता है, और कोई टेंशन नहीं होती है, फिर मौजें ही मौजें होती हैं, फिर मौजें मौजें अकेले ही मौजें, ज़्यादा मौजें मज़ा आता है। यानी कि टेंशनों से बंदा बच जाता है। हाँ टेंशनों से बच जाता है, लड़ाई झगड़े से बच जाता है। बच जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशान। अच्छा भाई हम ये बताएं आप शादीशुदा हैं? यस। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बीवियाँ नाराज़ हो जाएँ तो उन्हें कैसे मनाते हैं? पहली बात तो यह है, मेरी नज़र में एक औरत जो है ना एक फूल की तरह होती है। ठीक है। जितना उसे संभाल के रखोगे ना एक फूल को, जैसे केयरिंग करो आप, तो उतना ही खूबसूरत खुशबू निकालता है और खूबसूरत दिखता है। ठीक है। इस तरह एक लड़की की का मसाल है कि लड़की भी ऐसी होती है कि ना बीवी स्पेशली, कि आप जितना प्यार से उसे रखोगे उतना ही वो खिलेगी, उतना ही खूबसूरती आपके रंग में रंग बिखेर देगी। मैं तो उतना जानता हूँ। बीवी को बस प्यार दो। ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जब आप जब काम से थके हुए आओ उसे ये मत बताओ कि आप थके हुए हो। ठीक है। क्योंकि उसने नहीं सुना आप थके हुए हो। उसने तो बस ये सुन लिया कि अब आगे बस आप मेरे काम करो, दुनिया के काम कर रहा है। तो यानी फुल टाइम बीवी की ही बात माननी माननी पड़ती है जनाब, उसके बारे गुजारा नहीं है। चले ठीक है। क्योंकि उसने सारा दिन बच्चे संभालने हैं आपके घर में, आपके माँ बाप संभालने हैं, सारे काम करने हैं घर के, उसकी नज़र में मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन उसको ये नहीं पता मर्द ज़्यादा मेहनत करता है बाहर, सौ काम करता है, सौ लोगों से बुला बुला। अच्छा आपकी कभी लड़ाई झड़ाई होती है? हाँ होती है। तो कौन यानी कि पहले? मेरे का सूल है ज़िंदगी का, मेरे ख्याल से हमेशा ये सूल होना चाहिए लाइफ में, हर बंदे का सूल होना चाहिए कि आप बीवी रखो, बीवी के साथ एक चीज़ डिसाइड कर लो, लड़ाई जगह अपनी तरफ है। ठीक है। बहस भी लड़ाई भी है इट्स ओके, लेकिन जब वो हमारा रिश्ता है वो अपनी जगह पर है। ठीक है। कि हम साथ इकट्ठे बैठ के खाना भी खाएं, लड़ाई अपनी जगह पर है। अच्छा ठीक है। खाना खाने के बाद दोबारा अपनी बहस जो है करनी है करने है, बाकी यानी अपने मामला पूरे और बाकी लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा भी जो है ना वो चलता रहे। ज़िंदगी को खुश खूबसूरत बनाना पड़ता है, ऐसे बनती नहीं है। चले अच्छा मुझे ये बताएं कि जब बीवियाँ मेके जाती हैं दो तीन रहने के, दो तीन दिन अपने घर रहने के लिए, तो शोहर हजरात क्यों इतना खुश होते हैं? शोहर हजरात बीवी की वजह से खुश नहीं होते, शायद उन्हें वो तन्हाई मिल जाती है, जैसे कुवारापन नहीं होता। अच्छा। क्या इंसान अभी शादी से पहले वाले पहली लाइफ आई थी ना, बच्चे हैं सर पे ना कोई चक्कर है, क्यों कह रहा हूँ ना, तो बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं, आगे बंदा इतना थका तो समझ नहीं थी बंदे ने क्या करना किधर जाए, तो बात ये और यानी कि दो तीन दिन ना जाए जरा महीने दो महीने के लिए जाए नहीं दो महीने फिर बंदा खुद अपसेट हो जाता है। मैं तो ना जानता, तो कोई भी मर्द हो शादीशुदा बंदा होगा और अगर वो अपनी बीवी से बाकी उलास से प्यार करता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार दिन वो खुश रह सकता है, उसके बाद वो खुद उदास होना शुरू हो जाता है। चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया।